देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। रायपुर में एक शख्स पर 500 रुपए के लिए जानलेवा हमला कर दिया गया। रुपयों के लेन देन के विवाद में उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने हमलावर नाबालिग को पकड़ा है। पैसे को लेकर हुए विवाद में बात इस कदर आगे बढ़ी कि नाबालिग ने टंगिया से हमला कर दिया था। ये घटना रायपुर के तिलीबांधा इलाके की है। सुभाष नगर में रहने वाले सोहेल मरकाम नाम के शख्स ने पुलिस से शिकायत की है। सोहेल कबाड़ी का काम करता है। मोहल्ले के ही रहने वाले एक नाबालिग को इस पर हमला किया है। कुछ दिन पहले सोहेल ने 500 रुपये उधार दिए थे। बीती रात सोहेल अपने दोस्त के साथ मोहल्ले में बैठकर बीड़ी पी रहा था। इतने में नाबालिग वहां पहुंचा। सोहेल ने अपने रुपए मांग लिए। उधार की वसूली होती देख नाबालिग को गुस्सा आ गया। वो सोहेल के साथ गाली गलौज करने लगा। पास ही नाबालिग का घर है, वो घर से टंगिया लेकर आया और कहा, तुझे आज मार दूंगा। सोहेल ने विरोध किया, तब गुस्से में आए नाबालिग ने टंगिया से सोहेल के सिर पर वार कर दिया। धारदार टंगिया सिर फाड़ कर अंदर घुस गई और सोहेल के माथे से खून बहने लगा। आनन फानन में उसे अस्पताल भेजा। सोहेल की शिकायत पर अब नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तिलीबांधा थाने की पुलिस ने बताया कि नाबालिग के खिलाफ इससे पहले थाने में दूसरी शिकायतें भी पहुंची थी। वो बदमाश प्रवृत्ति का है। पुराने केसेस की स्टडी भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।